हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमरेश कुमार एंड स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार में। जो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं रेंज चैप्टर का, जो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आप उसको जाके देख लें। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है रेंजेस चैप्टर का, वो भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ है, तो उसकी स्टेटमेंट एक बार रीड करें, फिर उसका सोल्यूशन हम इजीली वे में बिल्कुल कर लेंगे डेफिनेटली। इससे पहले अगर स्टूडेंट्स आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा यार अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि सो दैट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज विच आर इक्विवेलेंट टू अ गिवन सिस्टम आर के। मतलब क्या वो ये कहना चाह रहा है कि आपको दो फोर्सेज दिए हुए हैं, दोनों फोर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहा है कि दोनों फोर्स के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, ठीक है, और दोनों फोर्स जो हैं किसके इक्विवेलेंट हैं आपके गिवन सिस्टम आर के। कोई गिवन सिस्टम है वो आर के इक्विवेलेंट है एंड विच आर इंक्लाइन एट अ गिवन एंगल टू अल्फा। जो दोनों फोर्स हैं, दोनों फोर्स के बीच का एंगल आपको टू अल्फा दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि उस केस में जो मिनिमम डिस्टेंस है दोनों फोर्सेज की बीच में वो आपके 2k बाई आर कोट अल्फा होगी। और जो फोर्स, दो फोर्स जो लगाएंगे हम, उन दोनों फोर्सेज में हर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जो मैग्नीट्यूड होगा पहले वाले फोर्स का भी r बाई टू सेकेंड अल्फा होना चाहिए और सेकेंड वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड भी आपका r बाई टू सेकेंड अल्फा होना चाहिए। तो इसको हम डायग्रामेटिकली भी समझेंगे अच्छे से और उसका फिर प्रूफ भी करेंगे। पहले डायग्रामेटिकली समझें, फिर ज़्यादा समझ आएगा आपको उससे। देखो यहाँ पे मतलब क्या, ये तो है कि गिवन सिस्टम, ये हम कर चुके हैं कि कोई भी गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं किसी सिंगल फोर्स आर में और कपल के में, और ये भी हमें पता है। फिर हम उसने सिंगल फोर्स आर और कपल की जो लाइन ऑफ एक्शन होती है दोनों की, कपल एक्सिस ऑफ कपल भी और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दोनों एक ही लाइन पे लाई कर जाती हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि वो आपकी सेंट्रल एक्सिस है। तो वहाँ तक तो हमारा हुआ है ये क्वेश्चन। तो मतलब क्या, मैंने कंसीडर कर लिया डिस्टेंस, ये कोई ओ पॉइंट है, तो ओ पॉइंट पे मैंने क्या किया है ऐसे, ये कोई रिजल्टेंट जो है, ठीक है, ये मेरा क्या है अलोंग ओ जेड, ठीक है, अलोंग OZ मेरा ये फोर्स R पड़ा हुआ है और ये कपल K पड़ा हुआ है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स तो रिड्यूस हो चुका है, ये तो बाय डिफॉल्ट हमें पता ही है, गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स आपका सिंगल फोर्स R कपल में रिड्यूस हो चुका है, जिसका मोमेंट क्या है K है, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं अलोंग OZ। अब उसने कहा कि जो दो फोर्स हैं, दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है, टू अल्फा है, तो मैंने एक फोर्स ये ले लिया डिस्टेंस, पहले वाले फोर्स जो ये वाला है, इस वाले फोर्स को मैंने पी नाम दे दिया, इसको मैंने कह दिया कि ये ए पॉइंट पे लगा है, और जो दूसरा फोर्स है मैं उसको बी पॉइंट पे लगा दूंगा, और उस फोर्स को मैंने नाम दिया कि वो फोर्स मेरा क्यू है। उसके बाद अब ये कहा है उसने कि दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है आपका, टू अल्फा है, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है, टू अल्फा है। अब आपने ये बताना है कि P की वैल्यू ये होनी चाहिए R बाई टू सेकेंड अल्फा, Q की वैल्यू भी R बाई टू सेकेंड अल्फा ही होनी चाहिए आपकी, और दोनों के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो 2K बाई R कोट अल्फा होगी। मिनिमम डिस्टेंस से मतलब, सपोज करो मैंने ये वाली डिस्टेंस, सपोज करो OA डिस्टेंस मैंने A कंसीडर कर ली, और OB डिस्टेंस स्टूडेंट्स मैंने सपोज करो स्मॉल B कंसीडर कर ली, तो दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस मतलब A प्लस B की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू आपने बतानी है कि वो 2K बाई R कोट अल्फा होनी चाहिए आपकी। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करें केयरफुली तो ये आपका एज अ क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है कि आपने P और Q की वहाँ पे हमने A बाई B का रेशो निकाला था, यहाँ हम A प्लस B की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कंडीशंस वही है कि P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, और रिजल्टेंट फोर्स R है, और रिजल्टेंट कपल हमें K दिया हुआ है। तो बिल्कुल पिछले वाले आर्टिकल की तरह अगर हम इसे करें, बिल्कुल सेम वे में करेंगे, बस थोड़ी सी कंसिडरेशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे फॉर्मूलाज वही लगेंगे जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में कराए थे। तो अगर आपने पिछले वाला क्वेश्चन नहीं देखा उसको जाके प्लीज़ पहले देख लें, अगर देखा हुआ है तो बहुत अच्छे से समझ आने वाला है, क्योंकि कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स में वहीं से डायरेक्ट लिख दूंगा। तो डिस्टेंस मैंने कंसीडर कर लिया कि ये जो है ना, ये कंसीडर कर लिया मैंने कि जो ये फोर्स पी लगा हुआ है आपका अलोंग ओ जेड, ठीक है,
कि जेड वाली डायरेक्शन के साथ ये फोर्स पी जो है मैंने मान लिया कि ये एंगल आपका थीटा बनाता है, ठीक है। अब ये एंगल कैसे देखा मैंने, जेड को पैरेलली शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो जेड एक्सिस यहाँ पे आ गया और फिर मैंने पी फोर्स का एंगल देख लिया, इसके साथ थीटा है, और ऐसे ही मैंने जेड को यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट किया और इसका जो एंगल है वो मैंने फाई कंसीडर कर लिया, ठीक है डियर फ्रेंड्स। और गिवन क्या है हमें, देखो ये गिवन है हमें, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे गिवन, ये इसका यूज भी करेंगे हम कि दोनों के बीच का एंगल थीटा और फाई के दोनों की एंगल की बात करूँ तो थीटा प्लस फाई हमें 2 अल्फा गिवन है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो एक बार और फिर मैं बता दूँ, पहले आर्टिकल में वैसे मैंने बताया था कि ये आपका ऐसे है, ठीक है, ये आपका क्या है ए ओ बी, ये वाली लाइन है, जो फोर्स पी है वो आपका आउटवर्ड लगा हुआ है ए पॉइंट पे, और जो पॉइंट बी है ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट पे ऐसे लगा है फोर्स पी, और ये इनवर्ड डायरेक्शन में लगा है आपका फोर्स क्यू, ऐसे लगे हुए हैं, दोनों के बीच का एंगल क्यू हमें दिया हुआ है। तो इसको मैं थोड़ा सा सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया था पिछले वाले आर्टिकल में, ओ पॉइंट तो कंसीडर किया ही था, ये मैंने मान लिया था कि ये मेरा कौन सा एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, इसको मैंने मान लिया था कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, फिर मैंने इनको सोल्व कर दिया था। उसके बाद देखो अब मैंने क्या किया था यहाँ पे, अब रिजल्टेंट फोर्स जो है आपका आर है, अब मैंने इस फोर्स पी को क्या किया था, रिजोल्व किया था, या इस फोर्स के फोर्स पी के कंपोनेंट निकाले थे मैंने क्या, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस। तो मैंने ये पिछले आर्टिकल में बता दिया था कि जो पी फोर्स होगा, जो उसके कंपोनेंट होंगे, देखो हम फोर्स पी के कंपोनेंट निकाल लेंगे एक्स एक्सिस डायरेक्शन में भी, वाई एक्सिस डायरेक्शन में भी और जेड एक्सिस डायरेक्शन में भी। तो फोर्स पी के जो कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, देखो किसी भी फोर्स का कंपोनेंट मतलब फोर्स इनटू कोसाइन ऑफ एंगल, जिस डायरेक्शन में हमने वो फोर्स का कंपोनेंट निकालना है उस डायरेक्शन में वो फोर्स एंगल कितना बना रहा है। तो देखो पी फोर्स का जो एंगल मैं अगर एक्स एक्सिस के साथ देखूं तो पी फोर्स जो है, देखो कौन से वाली प्लेन में पड़ा हुआ है पहले ये देख लें आप, पी फोर्स जो है आपका वाई जेड प्लेन में पड़ा हुआ है, ये जेड है और आपका ये नीचे वाई है पीछे की तरफ, ठीक है, परपेंडिकुलर है, ये थ्री डायमेंशनल फिगर ऐसे ही बनेगा। सिर्फ इमेजिन करें आप कि जो P फोर्स है आपका वो कहाँ पड़ा हुआ है, आपका वाई जेड प्लेन में पड़ा हुआ है, X के साथ इसका कोई लिंक नहीं है, तो इसका मतलब X जो एक्सिस है इसके साथ क्या है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो उस वजह से जो फोर्स P का कंपोनेंट होगा अलोंग X एक्सिस, तो वो क्या हो जाता है आपका P cos 90, cos 90 कितना होता है मेरा 0, तो 0 आ गया, फोर्स P का कंपोनेंट अलोंग X एक्सिस 0 आ गया, फोर्स पी का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या आएगा, तो वाई के साथ में इस फोर्स पी का एंगल देख लेंगे। तो मैंने इसको पैरेलली थोड़ी देर के लिए अगर वाई को यहाँ पे शिफ्ट किया पी के साथ एंगल देखने के लिए, तो ये एंगल पूरा थीटा है और ये एंगल मुझे पता है ये जेड एक्सिस है आपका, पैरेलली शिफ्ट किया था मैंने, तो ये पूरा एंगल आपका 90 है, तो ये कितना, ये थीटा है, तो थीटा 90 में से थीटा निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपका पी कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, और कोस पाई बाई टू माइनस थीटा कितना होता है आपका साइन थीटा। तो ये फोर्स पी का कंपोनेंट है अलोंग वाई एक्सिस, अब फोर्स पी का कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस वो कितना आएगा आपका फोर्स पी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, क्योंकि जेड एक्सिस के साथ में एंगल थीटा है। तो ये तो फोर्स पी के कंपोनेंट हुए। सिमिलर वे में फोर्स क्यू के जब कंपोनेंट हम निकाल लेंगे तो अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट 0 होगा, और अलोंग वाई एक्सिस अगर मैं क्यू का कंपोनेंट निकाल लूं तो क्यू जो है आपका वो इनवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है, जबकि मैंने इसका जो कंपोनेंट लेना है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना है वाई एक्सिस, तो उसकी वजह से नेगेटिव मैं अप्लाई कर दूंगा डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर्स क्यू है आपका, और कोसाइन कितना आ जाएगा वही कोसाइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, वो आपका साइन थीटा ही आ जाएगा, तो क्यू साइन थीटा। और यहाँ पे अगर अलोंग जेड एक्सिस क्यू का कंपोनेंट निकाल लें तो वो क्या होगा जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है फाई, तो क्यू यहाँ पे फाई आएगा बच्चों फाई, और ये भी आपका क्यू कॉस फाई, ठीक है, माइनस क्यू साइन फाई क्यू कॉस फाई। तो ये तो फोर्स पी के कंपोनेंट हैं, ये फोर्स क्यू के कंपोनेंट हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, जस्ट अब देखना है रिजोल्व करना है, क्या लिखेंगे डायरेक्ट कि रिजोल्व फोर्स आर अलोंग OZ एंड अलोंग OY, ठीक है, डायरेक्ट ही करता हूँ मैं, पहले अलोंग OZ की बात करते हैं, R को रिजोल्व कर रहे हैं अलोंग OZ, तो जब R को रिजोल्व करेंगे अलोंग OZ, OZ के अलोंग फोर्स क्या लगा हुआ है R लगा हुआ है, रिजल्टेंट फोर्स है ये फोर्स P और फोर्स Q का, तो लेफ्ट साइड तो आ जाएगी आपकी R, R इक्वल टू, वैसे तो अगर मैं रिजोल्व पार्ट की बात बताऊँ तो ये R
कंपोनेंट आर का रिजोल्व पार्ट निकाल रहे हैं हम, तो आर का क्या होगा, आर की डायरेक्शन में, इसी आर का कंपोनेंट आर की ही डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, तो आर कोस ऑफ एंगल कितना, जीरो, क्योंकि आर आर के साथ जीरो एंगल बना रहा है, तो आर कोस जीरो, कोस जीरो कितना होता है वन, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड आर लिखता हूँ। अब ये किन का रिजल्टेंट है, पी और क्यू का, तो पी का क्यू कॉम्पोनेंट अलोंग जेड एक्सिस कितना है, क्यू का कॉम्पोनेंट जेड एक्सिस कितना है, दोनों को प्लस कर देंगे, तो पी का कॉम्पोनेंट अलोंग जेड एक्सिस ये है आपका पी कॉस ऑफ थीटा अलोंग जेड एक्सिस, क्यू का कॉम्पोनेंट क्या है, क्यू कॉस फाइव, इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। अब मैं जेड जो आर फोर्स है उसका कॉम्पोनेंट अलोंग वाई एक्सिस की बात करूं, तो वाई एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं है, जीरो है, और उसके बाद अब मैं क्या करूं डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इस आर्टिकल को डिटेल में समझना है ना, तो थोड़ा जल्दी में अगर लग रहा है आपको, तो इससे पिछले वाला आर्टिकल देख लेना, उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल से कराया हुआ है सब, वैसे यहाँ भी आपको मैं बता ही रहा हूँ, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, तो पेशेंस बनाए रखें। उसके बाद देखो आर का हम रिजोल्व कर रहे हैं आर को अलोंग ओ वाई, अलोंग ओ वाई कोई भी फोर्स नहीं है, तो लेफ्ट साइड जीरो रहेगी आपकी इक्वल टू, अब अलोंग ओ वाई, अलोंग ओ वाई आपका P का कंपोनेंट कितना था, P साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे P साइन थीटा। अब माइनस ये है आपका अलोंग Y एक्सिस Q का कंपोनेंट, वो क्या है, माइनस Q साइन फाइव, तो यहाँ पे आ जाएगा Q साइन फाइव, इक्वेशन नंबर टू, ठीक है डिफरेंस। अब उसके बाद जैसे आपने फोर्स को रिजोल्व किया, सिमिलर वे में हम मोमेंट को रिजोल्व करेंगे, क्या उसको तरीका बता देता हूँ मैं, क्या रिजोल्व मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स अलोंग अलोंग ओजेड एंड अलोंग ओ वाई, अलोंग ओ वाई। अब आप मोमेंट ऑफ फोर्स रिजोल्व करेंगे, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है डियर फ्रेंड्स, आपका मोमेंट ऑफ फोर्स में सिंपली फॉर्मूला होता है कि फोर्स इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इंटू साइन ऑफ दी एंगल। तो इसके लिए आप पिछले वाला आर्टिकल देखें, उसमें मैंने दूसरा तरीका भी आपको किसी भी फोर्स का मोमेंट निकालने का ईजिली वाला बिल्कुल ईजिली वे में ही बताया हुआ है, तो उसको जाके आर्टिकल को देख लें। वैसे अगर डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगाना चाहे तो हम लगा सकते हैं यहाँ पे, क्या कि देखो रिजोल्व मोमेंट ऑफ फोर्स, अब पहले तो ये देख ले मोमेंट ऑफ फोर्स अलोंग ओजेड कितना लगा है, के लगा है, तो भैया लेफ्ट साइड तो होगी के, मैं दूसरे वाले तरीके से कर रहा हूँ, अगर पहले वाले तरीके से करना तो पिछले वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, इजीली समझ आ जाएगा, जाके देख ले, बहुत इजीली वे है वो। मैं यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, फोर्स इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इंटू साइन ऑफ एंगल। अब ये बेटे अलोंग ओजेड मोमेंट कितना है के, अब ये रिजल्टेंट मोमेंट है किसका, मोमेंट ऑफ फोर्स पी का और मोमेंट ऑफ फोर्स क्यू का, तो अब आपने देखना है कि फोर्स पी का मोमेंट आपका अलोंग ओजेड कितना होगा, तो क्या फॉर्मूला होता है, ओजेड से पी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए, तो ए इंटू फोर्स, फोर्स कितना है आपका पी, इंटू साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल ये वाला जो पी है ओजेड के साथ में एंगल बना रहा है थीटा, तो साइन थीटा आ जाता है बच्चों, प्लस उसके बाद फोर्स क्यू, इसकी डिस्टेंस कितनी है ओजेड से, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बी, फिर ये फोर्स इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, तो साइन ओजेड के साथ में कितना एंगल बना रहा है फाइव, तो क्यू साइन फाइव, इक्वेशन नंबर थ्री हम इसको कंसीडर कर लेंगे उस। सो डिस्टेंस अब अगर मैं बात करूं अलोंग ओ वाई, ठीक है, अलोंग ओ वाई अगर मैं मोमेंट की बात करूं, तो अलोंग ओ वाई कोई भी मोमेंट नहीं है, तो लेफ्ट साइड आपकी जीरो रहेगी। अब फोर्स पी का मोमेंट अलोंग ओ वाई की बात करूं तो कितना होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए पी, साइन थीटा का क्या बन जाएगा, जब भी परपेंडिकुलर, मतलब जो ओ वाई है ये ओ जेड के क्या है, परपेंडिकुलर, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो बस परपेंडिकुलर केस में साइन का कोस बन जाता है, और कोस हो तो साइन बन जाता है, तो साइन मैंने निकाला ही हुआ है, तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस ऑफ थीटा हो जाएगा। यहाँ पर आप इसी एक के साथ नेगेटिव लगा देंगे, तो माइनस ए पी कोस थीटा लिख दूंगा मैं, डायरेक्शन ओपोजिट होने की वजह से इनकी, फोर्स ए पॉइंट पे फोर्स आपका आउटवर्ड लगा हुआ है, बी पॉइंट पे आपका फोर्स इनवर्ड लगा हुआ, तो किसी भी एक के साथ नेगेटिव लगा देंगे। वैसे अगर आप पिछले वाले आर्टिकल की तरह अगर इसको बिल्कुल सिंपल वे में मोमेंट निकालना चाहें, तो आई जे के करके ऐसे निकाल लेंगे, तो यही फॉर्मूला आएगा, वहां से मैंने डायरेक्ट रख भी दिया है प्लस, तो जाके उस आर्टिकल को देख लेना अगर ये समझ ना आए, वैसे तो समझ आ जाना चाहिए। तो फोर्स की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यू वाले की बी है,
फोर्स कितना है आपका क्यू है और साइन फाई की प्लेस पे क्या आ जाएगा कोस ऑफ फाई इक्वेशन नंबर फोर। अब डेयर फ्रेंड्स बस ये चार इक्वेशन है मेरे पास, चारों इक्वेशन की हेल्प से हम ए प्लस बी की मतलब दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है ना, तो दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है हमें पहले, तो वो आपकी 2k बाई आर कोट अल्फा होना चाहिए, फिर p की वैल्यू भी ये होनी चाहिए, q की वैल्यू भी ये होनी चाहिए। देखिए उसको कैसे करेंगे। अब उसके लिए क्या करें, पहले आप एक छोटा सा काम कर लें, जो इक्वेशन वन है और टू है इन दोनों को स्केयर करके आप ऐड करके देखें क्या आएगा। तो मैंने क्या किया, पहले वन स्केयर प्लस टू स्केयर दोनों को स्केयर करके ऐड किया। लेफ्ट साइड क्या है बच्चों, आर स्केयर है, तो आर स्केयर प्लस जीरो स्केयर आपका आर स्केयर आ जाएगा। इसका स्केयर करना है तो इसको स्केयर करेंगे तो स्केयर का फॉर्मूला लगेगा, इसको ए मान लें इसको बी मान लें, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वेयर कॉस स्केयर थीटा प्लस क्यू स्क्वेयर कॉस स्केयर फाई प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा कॉस ऑफ फाई प्लस। ये तो हुआ वन का स्केयर। अब टू का स्केयर करेंगे तो ए माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगेगा, क्या बनेगा पी स्क्वेयर साइन स्केयर थीटा प्लस क्यू स्केयर साइन स्केयर फाई और माइनस टू ए बी, तो माइनस टू पी क्यू साइन थीटा साइन फाई ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई हम कर लें अगर, तो देखो यहाँ पे पी स्क्वेयर यहाँ पे भी है पी स्क्वेयर यहाँ पे भी है, दोनों में से पी स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, को स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा कितना बन जाएगा आपका वन बन जाएगा, तो मेरे पास ये बचा डिफरेंस पी स्क्वेयर। उसके बाद ये क्या है आपका क्यू स्केयर यहाँ पे भी है क्यू स्केयर यहाँ पे भी है, तो क्यू स्केयर कॉमन आ जाएगा इन दोनों से, कोस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई अगेन क्या बना देगा वन बना देगा, तो वी आर लेफ्ट विद ओनली क्यू स्केयर। उसके बाद ये देखो टू पी क्यू यहाँ पे भी कॉमन है, टू पी क्यू यहाँ पे भी कॉमन है, टू पी कॉमन ले लें आप, तो मैंने कॉमन लिया टू पी क्यू, तो टू पी क्यू तो कॉमन आ गया मेरा, यहाँ से क्या बचा कॉस थीटा और ये आपका कॉस फाई, तो कोस थीटा कोस फाई माइनस ये क्या बना आपका साइन थीटा साइन फाई साइन थीटा साइन फाई। अब ये आई थिंक आप पढ़े लिखे लोग हैं तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कोस ए प्लस बी का। तो यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या बन जाएगा ये पी स्क्वेयर एज इट इज क्यू स्क्वेयर एज इट इज और ये टू पी क्यू कोस ऑफ थीटा प्लस फाइव, तो कोस थीटा प्लस फाइव का ये फॉर्मूला बन चुका है। तो ये इक्वेशन नंबर फाइव आ गई मेरे पास, इसका भी यूज मुझे करना पड़ेगा, इसको मैंने पहले ही फाइंड करके रख लिया। तो अब आप ये भी चेक कर सकते हैं, देखो थीटा प्लस फाइव की वैल्यू कितनी है टू अल्फा, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं आप थीटा प्लस फाइव की वैल्यू, क्योंकि दिया हुआ है ना हमें, तो क्योंकि जो गिवन चीज़ें हैं हमें उनका भी ध्यान रखें आप, गिवन हमें क्या क्या है आर गिवन है के गिवन है और एंगल अल्फा मतलब टू अल्फा हमें गिवन है, तो सभी की वैल्यू पी क्यू और ए बी की वैल्यू किसकी टर्म में आनी चाहिए आर के या अल्फा के टर्म में आनी चाहिए। आपको दोबारा बता दूं, जो हमारा आर के और अल्फा गिवन है तो ए प्लस बी की वैल्यू आर के टर्म में आनी चाहिए, अल्फा के टर्म में पी और क्यू की वैल्यू भी आर और अल्फा या आपके के की टर्म में आनी चाहिए। तो थीटा प्लस फाइव को अल्फा कर दें, तो मतलब यहाँ पे मैं यहाँ पे यहीं पे अरेंज कर देता हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं कोस ऑफ टू अल्फा, तो ये आ गया कोस ऑफ टू अल्फा, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर फाइव। ठीक है डिस्टेंस, उसके बाद अगर आप इक्वेशन नंबर वन को और थ्री को ऑब्जर्व करें, अब मैं क्या करूँगा देखो वन की और थ्री की कोरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करा देता हूँ, उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, जो ए प्लस बी वाला रिलेशन होगा उसको हेल्प मिलेगी हमें, क्योंकि ए और बी का इन्वॉल्वमेंट जो है के में है। ठीक है, तो ए और बी का इन्वॉल्वमेंट लाने के लिए, क्योंकि ए और बी में रिलेशन लाना है मुझे ए प्लस बी की वैल्यू, तो उसके लिए मैंने क्या किया फ्रॉम वन एंड थ्री, फ्रॉम वन एंड थ्री मतलब वन और थ्री की मैंने कोरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करा दी, लेफ्ट साइड की मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड में आर के, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड तो हो जाएगी आर के। अब राइट साइड की मल्टीप्लाई देखो, ये वन है आपकी ये थ्री है, तो मैं पहले वन लिख देता हूँ, कितनी है पी कॉस थीटा प्लस क्यू कॉस ऑफ फाई, ठीक है इंटू थ्री की लेफ्ट साइड की राइट साइड क्या है ए पी साइन थीटा, ए पी साइन थीटा प्लस बी क्यू साइन फाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई हम कर देंगे, क्या आएगा देखो ए पी स्क्वेयर ए पी स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, बस कैलकुलेशन वर्क रह रहा है, पी कोस थीटा की मल्टीप्लाई यहाँ पे तो कितना आएगा प्लस बी पी क्यू कॉस थीटा साइन
फाइव, ठीक है। अब इसको क्यू ए पी, तो क्या आएगा, प्लस ए पी क्यू, ए पी क्यू कोस फाइव साइन थीटा, कॉस फाइव साइन थीटा। लास्ट वन ये कितना आ जाएगा, बी क्यू स्क्वेयर प्लस बी क्यू स्क्वेयर कोस फाइव साइन फाइव, तो कोस फाइव साइन फाइव। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें आप, देखें यहाँ पे कुछ कॉमन नज़र आ रहा है क्या। सो डिस्टेंस, अब अगर आप चेक करें इसको केयरफुली, यहाँ पे क्या है, देखो ये वाली जो दो टर्म्स हैं, यहाँ पे भी पी क्यू है और यहाँ पे भी पी क्यू है, इन दोनों को तो हम इकट्ठा कर लेंगे, दोनों में से पी क्यू कॉमन ले लेंगे। बाकी अब देखो हमने वन का और थ्री का यूज कर लिया, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, सेकेंड का भी हमने यूज कर लिया, क्योंकि हमने वन स्केयर टू स्केयर किया था एक बार, वन थ्री का, मतलब फोर बची है आपके पास। तो भाई ऐसे ना इंसाफ भी ना करो ना फोर के साथ, इसको बेचारी को भी यूज कर लो कहीं पे। देखो यहाँ पे क्या है कि ए पी कोस थीटा जहाँ पे भी होगा उसके प्लेस पे, अगर मैं लेफ्ट साइड ले जाऊँ उसको, तो ए पी कोस थीटा जहाँ पे होगा मैं उसके प्लेस पे क्या ले सकता हूँ, बी क्यू कोस फाई। तो ये बनाने की कोशिश करते हैं। देखो अब आपके पास दो, ये दो टर्म तो अकेले होगी, बाकी ये बची देखो ए पी स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा। तो अगर आप यहाँ देखें ऑब्जर्व केयरफुली करें, ए पी कोस थीटा, तो यहाँ से ए पी की वैल्यू स्क्वेयर है, तो ए पी कोस थीटा को अलग निकाल दो। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे क्या कि ए पी कोस थीटा, इसको मैं अलग निकाल देता हूँ भाई, यहाँ से बचेगा क्या, एक पी बचेगा आपका और एक साइन थीटा बचेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखो ए पी कोस थीटा और P अकेला बचा और साइन थीटा। अब ए पी कोस थीटा के प्लेस में डायरेक्ट क्या रख दूंगा, बी क्यू कोस फाई रख दूंगा। यहाँ पे उसको बाद में रखेंगे, अभी पहले इसको भी सोल्व कर दें। यहाँ पे देखो क्या कॉमन है दोनों में, पी क्यू, तो पी क्यू को तो कॉमन ले लें, तो पी क्यू आ गया कॉमन यहाँ से, अब इसको हटा दूंगा यहाँ से, तो पी क्यू कॉमन आ गया, क्या बचा, बी कॉस थीटा साइन फाई, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा, प्लस ए कॉस फाइ साइन थीटा, ये बचा। अब यहाँ से भी देखो, यहाँ से मैं बना सकता हूँ बी क्यू कोस फाई, क्योंकि फाई फाई है यहाँ पे, तो मैं करता हूँ क्या, बी क्यू कॉस फाई, ये मैंने अलग रखा, एक क्यू बचा एक साइन फाई बचा, तो क्यू साइन फाई इसको रखा मैंने अलग, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब मैं इसी में क्या करता हूँ, देखो क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है, मैं यहाँ पे ए पी कोस थीटा की जगह वैल्यू रख देता हूँ उसकी, ए पी कोस थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ मैं, बी क्यू कोस फाई। तो बच्चे मैं यहाँ पे रख देता हूँ बी क्यू कोस फाई, क्या, बी क्यू, बी क्यू कोस फाई। अब यहाँ पे ऐसे ही बी क्यू कोस फाई, बी क्यू कोस फाई की वैल्यू क्या है, ए पी कोस थीटा, यहाँ पे रख देता हूँ मैं ए पी कोस थीटा, तो ए पी कोस थीटा यहाँ पे क्या रखूँगा मैं, ए पी कॉस थीटा, ए पी कॉस थीटा, ठीक है, ये वैल्यूज हमने रख दी। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देखो पी क्यू, पी क्यू और ये पी क्यू, पी क्यू तो इसका मतलब एक दो तीन, तीनों टर्म में कॉमन है, तो नेक्स्ट स्टेप मेरा यही रहेगा कि मैं पी क्यू को निकाल लेता हूँ कॉमन। अब पी क्यू को कॉमन निकालने के बाद हमारे पास चीजें कैसे बचेंगे, देखो इनको देखें जरा, ऑब्जर्व करें केयरफुली आप। पी क्यू को कॉमन निकाल लिया, यहाँ से बचा बी कोस फाई, तो बी कॉस फाई, बी कॉस फाई और साइन थीटा, ये बचेगा प्लस, पी क्यू तो बाहर आ ही चुका है, यहाँ से बचा बी कॉस थीटा साइन फाई, ये क्या बचा, प्लस ए कॉस फाई साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ से क्या बचेगा, पी क्यू कॉमन बाहर आ गया, प्लस ए कॉस थीटा साइन फाई, ये बचा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब आप चेक करें, आपकी दो टर्म्स में ए है, दो टर्म्स में बी है, तो मैं यहाँ दोनों से बी कॉमन ले लेता हूँ, इन दोनों से ए कॉमन ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है, बी कॉमन आ जाएगा दोनों से, यहाँ से यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो दोनों से ए कॉमन आ जाएगा। फिर जो बचेगा बनेगा क्या, देखते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं भाई। अब देखिए भाई यहाँ से क्या बनेगा आपका, रफ कर दिया मैंने, तो मैंने पी क्यू लिखा है एज इट इज, विच इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू, ठीक है। और हमारी लेफ्ट साइड के बारे में बात करें, लेफ्ट साइड क्या चल रही थी हमारी, आर के, तो लिख लें एक बार यहाँ पे, उससे इजी रहेगा हमारे लिए। लेफ्ट साइड तो चल रही है हमारी आर के,
तो आर के इक्वल टू कॉमन क्या है यहाँ से आपका पी क्यू एच डी रहेगा पी क्यू। अब देखो इन दोनों में से पहली में से बी कॉमन ले लिया मैंने बी बी कॉमन, ये देखो क्या बचा कोस फाई साइन थीटा कोस थीटा साइन फाई, मतलब कौन सा फॉर्मूला बनना है कोसे साइन बी कोसे साइन बी साइन ए कोस बी, मतलब साइन ए कोस बी प्लस कोसे साइन बी, तो साइन ए प्लस बी तो साइन थीटा प्लस फाई, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं साइन थीटा प्लस फाई डायरेक्ट लिख दिया मैंने प्लस। इन दोनों में से क्या कॉमन है ए कॉमन है, यहाँ पे भी देखो फॉर्मूला बनाए कौन सा बन रहा है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो यहाँ पे भी साइन ए प्लस बी का तो साइन थीटा प्लस फाई, ठीक है ये बन गया। लेकिन हमें पता है थीटा प्लस फाई गिवन है टू अल्फा, वैल्यू पुट करें तो इज इक्वल टू पी क्यू इंटू बी साइन टू अल्फा प्लस ए साइन टू अल्फा, ठीक है साइन टू अल्फा कॉमन, तो क्या कॉमन आ गया यहाँ से पी क्यू साइन टू अल्फा ए प्लस बी, लेफ्ट साइड क्या चल रही है आपकी आर के, ठीक है तो अगर इसको आप ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करना चाहते थे ना कि मिनिमम डिस्टेंस क्या आएगी, देखो यहाँ से तो ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया ए प्लस बी इक्वल टू आर के बाय पी क्यू साइन टू अल्फा, ठीक है पी क्यू साइन टू अल्फा, इसको मैं कर लेता हूँ ब्रैकेट में बंद क्योंकि मुझे इसका बाद में यूज करना है। अब देखो सो डिस्टेंस देखो यहाँ पे तो ए प्लस बी की वैल्यू ये होगी, अब हमें क्या करना था यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस निकाल लिया, मतलब ए प्लस बी मिनिमम कब होगा, देखो जो अल्फा क्वांटिटी है ये टू अल्फा तो क्या है आपका कोई एंगल है ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स दिया होगा कि दोनों के बीच का एंगल मान लें 90 या 30 डिग्री दे दिया, तो पी क्यू की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, हमें पता है कि डेनोमिनेटर और न्यूमिनेटर जब भी हो ये रेशो में हो तो जितना बड़ा डेनोमिनेटर होता है आपका नंबर उतना ही क्या आता है छोटा आता है, जितना बड़ा डेनोमिनेटर उतना ही छोटा नंबर, इसका मतलब पी क्यू की वैल्यू जितनी मैक्सिमम होगी ए प्लस बी मिनिमम रहेगा, इसका मतलब तो मैं ये लिख दूं कि ये मिनिमम वैल्यू कब देगा व्हेन पी क्यू इज मैक्सिमम, जब भी पी क्यू मैक्सिमम होगा तो उसी केस में ए प्लस बी क्या आएगा आपके पास मिनिमम आएगा। अब इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे, बाद में फाइंड करेंगे कि एग्जैक्टली वैल्यू आएगी क्या, क्योंकि हमें वैल्यू दिखाने ना 2k बाई आर कोट अल्फा आएगी, उससे पहले हम क्या करें देखो अगर मैं इक्वेशन नंबर जो मैंने फाइव इक्वेशन की ना इसका यूज नहीं किया, देखो फिफ्थ इक्वेशन ये है हमारी, इसको उठाते हैं एक बार, क्या है ये आर स्क्वेयर आर स्क्वेयर, क्यों उठाइए क्योंकि यहीं पे पी क्यू की इन्वॉल्वमेंट है, पी क्यू मैक्सिमम देखना है क्या बनेगा, तो आर स्क्वेयर कितना है पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, तो ये बन गया पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस टू पी क्यू कॉस टू अल्फा, ये है आपकी इक्वेशन नंबर फाइव। इसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई करके लिखा, ऐसे लिख दिया डेट्स, देखो पी माइनस क्यू होल स्क्वेयर, अब इसको देखो ओपन करें आप क्या बनेगा पी स्क्वेयर बन गया प्लस क्यू स्क्वेयर, एक्स्ट्रा क्या है यहाँ से माइनस टू पी क्यू, तो माइनस टू पी क्यू को बैलेंस करने के लिए मैंने प्लस टू पी क्यू इसमें ऐड कर दिया। अब तुम देखो इस चीज़ को सोल्व करके यही आ रहा है ना पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस टू पी क्यू प्लस टू पी क्यू कैंसिल आउट, तो वही मिल रहा है हमें वापस, और ये आपका एक्स्ट्रा लिखा ही जा रहा है टू पी क्यू कॉस ऑफ टू अल्फा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें इसको बच्चों और, तो क्या बनेगा देखो विच इज इक्वल टू इसको एच डी रहने दें पी माइनस क्यू होल स्केयर, इन दोनों में क्या कॉमन है टू पी क्यू, सो यहां से टू पी क्यू कॉमन ले लिया हमने और बचा क्या हमारा यहां से बचेगा आपका वन प्लस कोस टू अल्फा कॉस टू अल्फा। अब देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो अगर मैं वन को माइनस करूं कैसे वन हटाए कैसे यहां से कोस टू अल्फा की हमारे पास तीन फॉर्मूला होते हैं कोस केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा वन माइनस टू साइन स्केयर अल्फा एंड टू कोस केयर अल्फा माइनस वन, यहाँ पे कौन सा सूटेबल रहेगा अगर मैं कोस टू अल्फा की जगह रखूँ टू कोस केयर अल्फा माइनस वन, वन से वन कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या टू कोस केयर अल्फा, तो डायरेक्ट मैं इसकी जगह क्या लिखता हूँ यहाँ पे डिस्टेंस टू कोस केयर अल्फा तो टू कॉस केयर अल्फा, तो टू टू जा कितना हो जाएगा फोर, तो मैं यहाँ पे यही लिख देता हूँ कि फोर पी क्यू कोस केयर अल्फा, बस इतना फोर पी क्यू कोस केयर अल्फा, ठीक है डिफरेंस, और लेफ्ट साइड क्या चल रही है आर स्केयर। अब देखो हमें क्या करना था पी क्यू की मैक्सिमम देखनी है कब बनेगा, तो यहाँ पे फोर पी क्यू ये आ गई ना, तो आप इस टर्म को तो रखो एक साइड बाकी को ले जाओ
राइट साइड, ये लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो तो क्या बन जाएगा ये, यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये बनेगा देखो आर स्केयर माइनस, तो इसको तो रखें फोर पी क्यू कॉस स्केयर अल्फा इक्वल टू, ये क्या है आर स्केयर, तो आर स्केयर माइनस पी माइनस क्यू का होल स्केयर। दोबारा चेक कर ले, देखो फोर पी क्यू कॉस स्केयर अल्फा एक साइड है और आर स्केयर माइनस पी माइनस क्यू का होल स्केयर। अब देखो ये वैल्यू जो कोस अल्फा, मतलब कि अल्फा तो फिक्स है उससे तो कोई लेने देने नहीं है, पी क्यू मैक्सिमम कब होगा, देखो आर स्केयर में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो जब भी ये सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको स्मॉल वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब अगर ये जीरो हो जाए बच्चों तो क्या होगा, हमारे पास पी क्यू उस केस में मैक्सिमम रहेगा। तो जब भी पी माइनस क्यू का होल स्केयर जीरो, मतलब भाई किसी भी नंबर का स्केयर जीरो कब होगा, जब कि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसका स्केयर जीरो हो जीरो के अलावा, तो इसका मतलब p माइनस क्यू किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो जब हमने p माइनस क्यू को जीरो के इक्वल रखा तो वहां से क्या आ गया, p इक्वल टू क्यू आ गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब आपका मिनिमम डिस्टेंस होगा तो उस केस में ये तभी होगा, तभी हो सकता है जब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो। इसका मतलब दोनों ही फोर्स क्या हैं, P कहें या दोनों को Q कहें, एक ही बात है, दोनों फोर्स सेम होंगे तभी उस केस में मिनिमम डिस्टेंस हमारी आएगी। अब वो मिनिमम डिस्टेंस निकालने क्या है, कैसे निकलेगी, फोर्स P और Q दोनों सेम ही है चूंकि, तो एक फोर्स की वैल्यू निकाल दी मतलब दोनों फोर्स की वैल्यूज निकल जाएंगी। तो अगर मैं P और Q को, ठीक है डिस्टेंस यहाँ पे देखो P और Q को अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ से ले लें आप, क्योंकि मुझे निकालनी है P की वैल्यू क्या कि r बाई टू सेकेंड अल्फा, तो उसके लिए मेरे पास है ये वाली इक्वेशन, ठीक है यही वाली है, इसमें आप क्या करें p को q रख दें, तो देखो यहाँ से इस वाली इक्वेशन से क्या बनेगा, यहाँ पे बनाए थे जगह थोड़ी कम है, तो 4 p इंटू पी, पी का स्केयर बन गया cos स्केयर अल्फा एज इट इज cos स्केयर अल्फा इक्वल टू बच्चों r स्केयर, चूँकि आपका P और Q सेम हो चुका है तो P बराबर Q रखेंगे जीरो हो जाएगा ये, तो यहाँ से मुझे निकालनी है P की वैल्यू, तो P कितना आएगा देखो P स्केयर बराबर R स्केयर अपॉन 4 cos स्केयर अल्फा, तो 4 cos स्केयर अल्फा, ठीक है मुझे निकालनी है P की वैल्यू, तो P की वैल्यू क्या आएगी आपकी, तो विच इंप्लाइज P इज इक्वल, वैसे तो प्लस माइनस आएगा स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल होके, मैं क्या करूँगा नेगेटिव तो हम लेंगे नहीं तो पॉजिटिव लेंगे बस, क्या R बाई फोर का क्या हो जाएगा 2 cos स्केयर अल्फा, 1 बाई cos स्केयर अल्फा क्या होता है आपका सेकेंड अल्फा, तो R बाई टू सेकेंड अल्फा ही आ रहा है, तो R बाई टू सेकेंड अल्फा मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसी फॉर्म को बताना था आपको कि जो फोर्स P है वो क्या होना चाहिए आपका R बाई टू सेकेंड अल्फा होना चाहिए। तो दोनों फोर्स इक्वल हैं तो दोनों की फोर्स की वैल्यू क्या होगी, यही होगी कि भैया R बाई टू सेकेंड अल्फा, तो फोर्स तो हमने प्रूव कर दिया कि R बाई टू सेकेंड अल्फा है। वैसे तो मिनिमम डिस्टेंस कब होगी, जब पी क्यू मैक्सिमम होगा, लेकिन वो कह रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस भी दिखाओ कि वो 2k बाई R कोट अल्फा हो, एग्जैक्टली यही दिखाओ। तो उसके लिए यहाँ से दोबारा लेके चले अगर हम नाउ a प्लस बी उठाया बच्चों हमने, क्योंकि इसी की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो जाएगा देखो ये हो जाएगा आर के, तो आर के, आर के बाय पी क्यू, अब p की वैल्यू कितनी है, या q कहें या p कहें एक ही बात है, तो वो कितनी है आपकी आर स्केयर बाई p इंटू पी, पी स्केयर ही कर लें, तो आर स्केयर बाई फोर cos स्केयर अल्फा, तो रख दें यहां पे आर स्केयर बाई फोर और ये आपका कोस स्केयर अल्फा, कोस स्केयर अल्फा क्या लिख सकता हूं सेकेंड स्केयर अल्फा, ठीक है, और साइन टू अल्फा एज इट इज, साइन टू अल्फा को ऐसे लिख दो टू साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है, और आप ऐसा करें कोस अल्फा से कैंसिल कर देंगे ना, सेकेंड स्केयर अल्फा ना लिखने की प्लेस पे इसको आप एज इट इज ही रहने दो कोस स्केयर अल्फा। दोबारा देख ले एक बार आर के बाई एज इट इज, पी क्यू मतलब पी यू का स्केयर मतलब आर स्केयर बाई में फोर कोस स्केयर अल्फा, साइन टू अल्फा के प्लेस से फॉर्मूला टू साइन अल्फा कोस अल्फा, बच्चे एक कोस अल्फा से कोस अल्फा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास एक आर पावर से एक आर पावर भी हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा ये बचाएगा के बाय एक आर कैंसिल हो गया ना नीचे से, तो एक तो आर एज इट इज रहेगा के बाई आर, और ये हमारा कितना है कोस अल्फा से कोस अल्फा कैंसिल, तो ये हमारा बचेगा आर बाय फोर, एक एक पावर हटा दी हमने, और ये टू साइन अल्फा, तो यहाँ पे टू साइन अल्फा, तो टू टू जा फोर, तो ये ऊपर चला जाएगा टू साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है, तो ये आ गया सोल्व हो के टू के, तो टू टू के बाय
आर, ये क्या है आपका साइन कोस अल्फा भी आपका, देखो 2 कोस अल्फा पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, होल न्यूमरेटर में, तो 2 के कॉस अल्फा आर एज इट इज साइन अल्फा एज इट इज डेनोमिनेटर में, तो ये क्या आ गया देखो 2k बाई आर और कोस अल्फा बाई साइन अल्फा कितना होता है हमारा कोटजेंट अल्फा। तो यही हमें प्रूव करना था कि जो मिनिमम डिस्टेंस ए प्लस बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए 2k बाई आर कोट अल्फा। सो डिस्टेंस आपको क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करें यार, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेट्राहेड्रन के बेस्ड इसी चैप्टर का, वो भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ, और जय हिंद जय भारत एंड थैंक यू सो मच।